हेलो बच्चों, दिस इज एडवेंट ट्यूटोरियल। आई एम केपी सिंह। टुडे आई हैव ए क्वेश्चन फ्रॉम इलेक्ट्रोस्टैटिक। इस तरह के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में अक्सर आता है। जैसे कि मेरे पास एक क्वेश्चन का एग्जांपल है। टू चार्जेस क्यू एंड फोर क्यू आर प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर, वेयर द थर्ड चार्ज स्मॉल क्यू इज प्लेस्ड सो दैट द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज जीरो। इसी में ही दूसरा पार्ट आपसे पूछा गया है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस चार्ज सो दैट होल सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। यहाँ पे दो पार्ट में ये सवाल पूछा गया है। एक बार में ये जानना चाहते हैं कि सपोज दो चार्जेस हैं आपके पास, एक क्यू एक फोर क्यू, और दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी दी गई है आपको 3 सेंटीमीटर। अब इनके बीच में तीसरा चार्ज स्मॉल क्यू कहाँ पर रख दें ताकि इसमें नेट फोर्स जीरो हो जाए। इसमें नेट फोर्स जीरो तब होगा जब एक फोर्स तो लगाएगा क्यू और एक फोर्स लगाएगा फोर क्यू। सपोज क्यू ने फोर्स लगाया F1 और फोर क्यू ने इस पर फोर्स लगाया F2। चूंकि दोनों ही लाइक चार्जेस हैं, दोनों ही पॉजिटिव हैं, तो दोनों रिपेल करेंगे। अगर ये F1 और F2 आपके बराबर हो जाते हैं तो नेट फोर्स इस पर एक्ट करने वाला कितना हो जाएगा बच्चों, जीरो। अब F1 और F2 के न्यूमेरिकल वैल्यूज हमें इक्वल करने होंगे, तो हम इनके न्यूमेरिकल वैल्यू इक्वल करते हैं। F1 की वैल्यू आएगी, हम लेट कर लेते हैं ये जो Q चार्ज है वो यहाँ से कितनी दूरी पर रखा है, एक्स डिस्टेंस पे। तो ये वाली डिस्टेंस दूसरी बार दूसरे साइड से डिस्टेंस कितनी हो गई, 3 माइनस एक्स। तो F1 फोर्स जो कि Q की वजह से एक्ट कर रहा है, F1 फोर्स उसका अमाउंट होगा 1/4πε0 Q/x2, और F2 की वैल्यू हो जाएगी बच्चों 1/4πε0 4Q/3 − x2। चूंकि क्वेश्चन में इस पर नेट फोर्स जीरो शो करना है, ये तभी होगा जब F1 F2 के बराबर आ जाए, तो F1 F2 को हम दोनों को इक्वेट करते हैं। जब हम इन्हें इक्वल करेंगे इट विल बी 4πε0 Q/x2, और ये वाला हो गया 1/4πε0 4Q/3 − x2। अब देखिए कैंसिल क्या हो रहा है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, क्यू से क्यू कैंसिल हो गया। अब बचता है मेरा 1/x2 = 4/3 − x2। आप चाहो तो इसका स्क्वायर रूट ले लो, 1 का √1 होगा, x² का √x, 4 का √2 एंड 3 − x² का √3 − x। कितना हो जाएगा 3 − x। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 3 − x = 2x, विच इम्प्लाइज 3x = 3, विच इम्प्लाइज x = 1 सेंटीमीटर। यानी पहले सवाल का जवाब आपको मिल चुका है कि कोई भी चार्ज, इसका मैग्नीट्यूड अमाउंट कुछ भी हो, ये क्यू चार्ज स्मॉल क्यू से कैपिटल क्यू से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर अगर रख दिया जाता है तो इस पर नेट फोर्स क्या हो जाएगा बच्चों, इस पर नेट फोर्स हो जाएगा ज़ीरो। चलिए इसके दूसरे पार्ट को अगर हम डिस्कस करें, दूसरा पार्ट हम लोग डील करते हैं, तो इसमें कहता है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस चार्ज, इस चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या ले लें, ये वाले चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या ले लें ताकि पूरा सिस्टम, चूंकि इस पे तो आपने नेट फोर्स जीरो दिखाई दिया है, अब इस पे भी नेट फोर्स जीरो हो जाए, इस पे भी नेट फोर्स जीरो हो जाए, तो ये पूरा सिस्टम क्या में आ जाएगा, इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। तो इसके लिए सेकंड पार्ट को हम लोग सॉल्व करते हैं, और सेकंड पार्ट में देखते हैं कैसे डील करना है इस क्वेश्चन को। तो इसके लिए सबसे पहले हम इसे रफ करेंगे पूरा, चलिए बोर्ड डस्ट होने के बाद फिर से हम दूसरे पार्ट को डील करते हैं। तो चूंकि हमें पता चल गया था
कि हमारे पास जो चार्ज होना चाहिए, यहाँ पे क्यू रखा था, यहाँ फोर क्यू रखा था, एक चार्ज, इन दोनों के बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर थी, और एक पॉइंट पी पे स्मॉल क्यू चार्ज हमने रखा जिसकी दूरी यहाँ से आई थी एक्स इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, राइट। और ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी 2 सेंटीमीटर। अब इस क्यू का अमाउंट कितना ले लें, क्यू का अमाउंट कितना आप ले लो ताकि इस क्यू पे लगने वाला नेट फोर्स, पूरे सिस्टम पे लगने वाला नेट फोर्स क्या आ जाए, ज़ीरो। तो भैया इस पे तो नेट फोर्स ज़ीरो था ही, तभी एक्स की वैल्यू 1 सेंटीमीटर आई थी। अब हम लेट कर दें इस पे नेट फोर्स ज़ीरो हो जाए, तो इस पे कौन कौन फोर्स लगा रहा है भैया, इस पे दो फोर्स लग रहे हैं, एक तो क्यू की वजह से, तो चूंकि ये प्लस तो ये रिपेल करेगा। अब इस पे फोर्स ज़ीरो कर रहा है यानी कि स्मॉल क्यू इस फोर क्यू पे फोर्स किधर की तरफ एग्जर्ट करे, अंदर की तरफ। हम लेट कर लेते हैं कैपिटल क्यू ने जो फोर्स लगाया वो F1 है और स्मॉल क्यू ने जो फोर्स लगाया वो F2 है। चूंकि दोनों एक दूसरे का अपोजिट हैं और F1 माइनस F2 इक्वल टू ज़ीरो हो जाता है, तो इस चार्ज पे भी नेट फोर्स ज़ीरो हो जाएगा। तो इसके लिए हम F1 F2 की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। F1 हमारा कितना आएगा, F1 आएगा 1/4πε0। F1 फोर्स कैपिटल क्यू की वजह से फोर क्यू पे है, तो आप लिखोगे कूलम्स लॉ से क्यू फोर क्यू अपॉन यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी, 3 सेंटीमीटर, तो आप लिखोगे 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। F2 की डील करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4πε0 स्मॉल क्यू फोर क्यू अपॉन 2 स्क्वायर। आपको लग रहा होगा कि मैंने यूनिट क्यों नहीं कन्वर्ट किया, सेंटीमीटर को सेंटीमीटर ही नहीं क्यों रखा, क्योंकि हम जब कंपैरिजन करते हैं, जब इक्वेट करते हैं, तो दोनों तरफ यूनिट अगर सेम हो जाते हैं तो आप सेम यूनिट को कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि वो आपस में बाद में कैंसिल हो जाएंगे। अगर F1 को F2 के बराबर करते हैं तो देन यू हैव 1/4πε0 4q² / 3² इक्वल टू 1/4πε0 4q² / 2 स्क्वायर। आप चाहो तो 4 से 4, q से q, 4πε0 से 4πε0 कैंसिल हो सकता है, बचेगा क्या, q/9 इक्वल टू q/4। या यू कैन से q इक्वल टू 4q/9। ये तो चार्ज का मैग्नीट्यूड आया, बट इसका नेचर कैसा हो, क्योंकि सवाल में उसने नेचर भी पूछा है। तो नेचर के लिए ये चार्ज, ए पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करना चाहिए, ये फोर्स कैसा होना चाहिए, अट्रैक्टिव। और ये अट्रैक्टिव तभी होगा जब ये दोनों आपस में अपोजिट नेचर के हों। चूँकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये वाला स्मॉल क्यू अपने आप कैसा हो जाएगा, नेगेटिव, यानी स्मॉल क्यू की वैल्यू आ गई -4q/9। चलिए बच्चों, नेक्स्ट टाइम फिर से मैं कुछ अलग क्वेश्चंस के लिए वीडियो बनाता हूँ और आपको सेंड करता, तब तक आप देखते रहिए हमारा ये एडवेंट ट्यूटोरियल का चैनल, जिसमें आपको फिजिक्स के बोर्ड में आए हुए न्यूमेरिकल्स को डिस्कस किया जाएगा। थैंक यू।